अच्छा जी, गाड़ी में जो है ना नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन लगी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। मैं हूँ नादर खान, आप देख रहे हैं NKS कराची मोटर्स। वेलकम बैक गाइस। तो भाई आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम एक गाड़ी को चेक करने जा रहे हैं जी। Daihatsu कोरे है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। इस गाड़ी को जाके चेक करेंगे जी कि गाड़ी कैसी है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि पाकिस्तान से नहीं बाहर से हैं, तो उन्होंने कहा कि नादर भाई मैं पाकिस्तान में हूँ नहीं, तो आप इस गाड़ी को जाके चेक करें, अच्छी गाड़ी है, इसकी डील बनाएं और हमें लेके दें। तो दोस्तों चलेंगे, इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे जी। अच्छी हुई तो उन साहब को लेके देंगे, अच्छी नहीं हुई तो भी उनको हम बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी किसी गाड़ी को चेक करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइम गुजार नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, मैं गाड़ी के पास पहुँच गया हूँ। ठीक है जी, ये है गाड़ी का फ्रंट से लुक, देख लें आप। गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो ठीक हैं बिल्कुल, कहीं से डैमेज वगैरह नहीं है, टूटी नहीं है। नंबर प्लेट्स गाड़ी में ओरिजिन लगी हुई हैं। ठीक है जी, और टायरों की बात करते हैं तो टायर ठीक हैं गाड़ी के। बाकी टचअप जो होगा वो मैं लाजमी बताऊंगा आपको। नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन लगी हुई हैं। अच्छा जी, गाड़ी में जो है ना भाई छत जो है, छत गाड़ी में जेन्युइन है, बाकी पूरी शावर गाड़ी है। और अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसी है गाड़ी। अंदर से इसको चेक करते हैं। दरवाजे जो हैं भाई, ये आप लोग देख लें, दरवाजे ठीक हैं। दरवाज़ों की जो सीलें हैं जी, ये भी ठीक हैं। ठीक है, और अगर हम इसके पिलर्स की बात करते हैं, पिलर भाइयों गाड़ी के ठीक हैं। डैशबोर्ड वगैरह आप लोग देख लें जी, डैशबोर्ड गाड़ी का बिल्कुल ठीक है। मीटर वगैरह भी गाड़ी के आप लोग देख लें। ऑटो गेयर ट्रांसमिशन में गाड़ी है, और जो इसका छत है, छत गाड़ी का ठीक है। बैक से थोड़ा सा उखड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को भी। और ये डोर भी देख लें, ये गत्ता यहाँ से थोड़ा सा डैमेज है भाई। तो भाई बैक का पिलर भी ठीक है, ये थोड़ा सा छत है यहाँ से ठीक है जी। सीलें गाड़ी की बिल्कुल ठीक हैं। सर इधर का लॉक खोलिएगा। और जनाब इधर के दरवाजे देख लें,
ये दरवाजे ठीक हैं जी गाड़ी के। तो भाई वो नीचे से गाड़ी बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से ठीक है जी। ठीक है इस तरफ से भी। दोस्तों एसी भी गाड़ी का ऑन है ठीक है जी, और मीटर पर 2,04,549 किलोमीटर चली हुई है। इंजन रूम चेक करते हैं जी गाड़ी का, इंजन रूम कैसा है ठीक है जी। तो दोस्तों ये है भाई गाड़ी का इंजन रूम, आप लोग सबसे पहले इसके कुप्पे देखें जी। कुप्पे वगैरह जो है गाड़ी के बिल्कुल अपनी सीलों पर हैं, टिकली वगैरह गाड़ी में यहाँ लगी हुई है। और दूसरा कुप्पा भी देख लें भाई, ये भी बिल्कुल ठीक है गाड़ी का। गाड़ी की जो मेन की पट्टी है ये भी ठीक है गाड़ी की। तो करवाते हैं जी गाड़ी को स्टार्ट और आप लोगों को दिखाते हैं इसका इंजन कैसा है। तो दोस्तों गाड़ी का जो इंजन है भाई इस टाइम स्टार्ट है,
वेलकम बैक गाइस। तो भाई गाड़ी का जो मुकम्मल रिव्यू था वो आप तमाम भाइयों ने देख लिया। मेरी कोशिश होती है कि मैं गाड़ी को प्रॉपर एक एक चीज चेक करूं, तसल्ली से चेक करूं, ताकि आप लोगों को मुकम्मल डिटेल मिल सके। क्योंकि आप लोग इतनी दूर से मुझे कहते हैं कि नादर भाई आप जाके गाड़ी को चेक करें, अगर गाड़ी अच्छी है चेक करें, तसल्ली करें, फाइल वगैरह क्लियर तो आप हमें लेके दें। तो भाई मेरी भी कोशिश होती है कि प्रॉपरली गाड़ी को मैं चेक करूँ। अभी इसकी मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल बता देता हूँ। जिन साहब ने हमें भेजा था, ये खासकर उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि नादर भाई रिव्यू लाजमी बनाइएगा ताकि हम देख सकें कि गाड़ी कैसी है। डाई 800 कोरे 2006 का ये मॉडल था। सबसे पहले मैं इसके पैसे आप लोगों को बताऊंगा। 8,80,000 रुपये इसके ऑनर इसकी डिमांड कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं गाड़ी में टचअप्स की, तो गाड़ी के अंदर छत जेन्युइन था, बाकी पूरी शावर गाड़ी थी, टायर गाड़ी के बिल्कुल सही थे, एसी ऑन था। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के अंदर सस्पेंशन के अंदर काम की, क्योंकि हमने गाड़ी की ट्राई भी ली तो सस्पेंशन में गाड़ी में काम था। दूसरी बात यह है कि गाड़ी का जब हम गियर लगा रहे थे तो गाड़ी के शिफ्टिंग के अंदर जो ना गाड़ी का डैशबोर्ड जो था वो पूरा वाइब्रेट कर रहा था, शोर कर रहा था, मतलब कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड था वो खुल के दोबारा बैठेगा अपनी जगह के ऊपर। मतलब जबकि ये गाड़ी का डैशबोर्ड जो ऑटो गया गाड़ी होती है, इसका अगर डैशबोर्ड एक बार अपनी जगह से खुल जाए तो ये अपनी सेटिंग में बैठता नहीं है, क्योंकि ये हार्ड और कड़क प्लास्टिक का बना होता है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं गाड़ी के अंदर ओवरहॉल सीलों वीलों की, तो वो ठीक थी और शावर गाड़ी के हिसाब से 8,80,000 रुपये मांग रहे थे। बाकी मेरी एक कोशिश होती है कि फाइल, पेपर, टैक्स, टिकली, CPLC सब चीज़ें क्लियर करके मैं ओनर को बताऊं, उसके बाद जनाब मैं कहता हूं जी अभी आप डील करें। तो जिन साहब ने हमें भेजा था उनको हम इसकी मुकम्मल अपडेट दे देंगे जी कि ये गाड़ी है और ये पैसे मांग रहे हैं, बाकी आपको डील कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि तसल्ली से हर चीज़ चेक करके आप लोगों को बताऊँ। अगर आप में से कोई गाड़ी भाई चेक करवाना चाहता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। गाड़ी लेने से पहले लाजमी चेक करवाएं, किसी से भी करवाएं मगर चेक करवा के लें, क्योंकि इस काम के अंदर धोखा फ्रॉड बहुत ज्यादा है। तो बाकी दोस्तों अपने भाई नादर खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने चाहा जिंदगी रही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।